दतिया में 3 दिवसीय श्याम सुंदर श्याम की स्मृति में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। दतिया में किला चौक स्थित सबरी धाम बग्गी खाना प्रांगण में श्याम सुंदर श्याम की स्मृति में प्रसिद्ध सूफी गजल गायन उस्मान मीर गुजरात ने अपनी गजल गायकी प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्यौड़ा विधायक श्री घनश्याम सिंह, कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती, श्याम सुंदर श्याम के आयोजक एवं संस्थापक के अलावा राधे श्याम अग्रवाल, रोची राम सिंधी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरसिंह यादव सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्षता चंदन सिंह बाबू द्वारा की गई तो वहीं दतिया मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सीमा महंत मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत श्याम सुंदर श्याम की चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। दतिया से एसआरवी पर राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। आप सब जानते हैं और आप सबके दिलों में बसे हैं। मैं अगर बाबू जी के बारे में कुछ बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं सूरज के सामने दिया जला रही हूँ। बाबू जी के बारे में मैं बचपन से सुन भी आई थी, कभी जो है उनके उनसे संपर्क तो मेरा हुआ नहीं क्योंकि मैं तो उनके सामने बहुत छोटी हूँ। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैं अपने बड़े ताऊ जी के यहाँ गई तो उन्होंने मुझे बाबू जी के बारे में एक किताब दी और इन 2 दिन में मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा रहा। और जब मैंने उस किताब को पढ़ा और बाबू जी के व्यक्तित्व के बारे में जाना तो मुझे लगा ऐसे भी लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, क्योंकि आज तो नहीं, आज के जमाने में कैसी सरल भाषा, कितना सरल स्वभाव और धर्म को वो मानते थे लेकिन साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, अंधविश्वास के साथ नहीं। और यही कारण है कि बाबू जी इतने सालों बाद में हमारे मन में बसे हुए हैं। मैं दतिया की बेटी हूँ, यही दतिया के चंदापुरा में पैदा हुई हूँ, यही पढ़ाई की है मैंने और आज मैं दतिया में मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हूँ। और बाबू जी के मेरे बड़े ताऊ जी, मेरे छोटे ताऊ जी और आप दतिया जिले के जन जन के नेता श्री राजन भारती जी और समस्त भारतीय परिवार और मेरे दतिया के प्यारे बहनों भाइयों, आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इस भव्य समारोह में मुझे आमंत्रित किया, मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ के जो संगीतज्ञ हैं, साहित्य कलाकार प्रेमी हैं, यहाँ के जो आपसे को सुनने के लिए आए हैं, वो जब तक सुनना चाहें तब तक आप सुनाइए, इसका कोई कंजूसी आप सुनाने की ना करें, ये हमारी आप सबसे गुजारिश है। कार्यक्रम के आयोजक श्याम संस्थान के न्यासी पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र भारती जी, संचालन कर रहे आदरणीय किरण पांडे जी, श्याम संस्थान तथा आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, सभी कार्यकर्तागण, राम पुष्पान मीर साहब के साथ पधारे हुए सभी उनके सहयोगीगण, यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय महानुभाव, आज बड़ी खुशी की बात है
कि हर वर्ष की तरह शाम आए शाम संस्थान के न्यासियों के द्वारा विशेष रूप से श्री राजेंद्र भारती जी के संयोजन में आयोजन में दतिया के लिए श्याम स्मृति समारोह बड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन हो गया है। प्रतिवर्ष इसका इंतजार होता है और आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर के मशहूर गायक मानवीर साहब पधारे हैं, इसलिए खुशी दुगनी है। मैं सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, खासतौर से मीर साहब का। मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे गाने वालों को सुना हुआ है, मैं कोशिश करूँगा आप सबको खुश करने की। मैं शुरू करता हूँ एक जो अपनी गजलों को बचा के रखा है तमाशों से बहुत, क्योंकि हमने इस मन को इबादत की तरह रखा है। तो मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय कुंवर घनश्याम सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने दो शब्दों से हमारे आज के इस कार्यक्रम को उद्बोधित करें। श्री पंकज खत्री प्रगति शर्मा न्यायाधीश, श्री रवि दीक्षित शिवसेना प्रमुख, श्री अनिल ओके सर एक सेकंड देखिए सर ओके ठीक है। ठीक है, धन्य हो गया कि ऐसी नगरी आपका जिक्र भी हो रहा था। अभी आइए आपकी जगह।